हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेकंड लेक्चर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। और इस लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बचा हुआ जो टॉपिक है उसको डील करेंगे। और जो पहला टॉपिक है वो है नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे के बारे में पढ़ने से पहले नंबर लाइन होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। नंबर लाइन, अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स एनी इंटीजर बाय अ पॉइंट इज कॉल्ड बाय अ पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। एक ऐसा लाइन जो इंटीजर्स को एक पॉइंट के थ्रू अपने एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन एग्जांपल, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ये नंबर लाइन है क्या। ये एक लाइन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और मिड में हम लोग जीरो। तो जीरो के राइट साइड में जैसे हम लोग राइट में बढ़ेंगे, जीरो के राइट में जितना ही वैल्यू होगा सब पॉजिटिव होगा और वो इंक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट हम लोग जैसे जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग नंबर्स, और जीरो के लेफ्ट में जितना ही वैल्यू होगा वो सब निगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4। जीरो से लेफ्ट में हम लोग जैसे जाएंगे वैल्यू सब डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग, तो वैल्यू इधर घटेगा। तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और जीरो के राइट में जितना ही वैल्यू होगा सब पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट में जितना ही वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। अब इस पे एग्जैक्टली हम लोग को पढ़ना है होल नंबर, तो बहुत इजी है रिप्रेजेंट करना, बट इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सरसाइज 1B, टू रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन। जैसे 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के पहले 1/3 का वैल्यू हम लोग देखेंगे कि 1/3 है, उसका वैल्यू है क्या। तो 1/3 जो है वो 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये जो 1/3 होगा, पहला तो ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में होगा, और दूसरा कि 1/3 जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पे 0, ये 1, और इधर हो गया -1। अब ये जो 1/3 जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके डेनोमिनेटर पहले ध्यान देंगे, डेनोमिनेटर कितना है 3। तो डेनोमिनेटर अगर 3 है तो 0 से 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस लाइन को 0 और 1 के बीच का जो लाइन है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 एंड 3। द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड 1/3, रिप्रेजेंटेड एज 1/3, 2/3, और ये नंबर हो गया 3/3, इट इज इक्वल टू 1। हम लोग का जो नंबर है वो 1/3 है, तो इसको बोल्ड करेंगे और एक अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन हो गया, ये 1/3 का पॉइंट हो गया। अगर ये नंबर फ्रैक्शन में होता है, जैसे अनदर एग्जांपल 2 स्टैंडर्ड 4/5 ऐसा हो गया, तो 2 स्टैंडर्ड 4/5 का मतलब होता है 2 प्लस 4/5, मतलब 2 से बड़ा बट 3 से छोटा, क्योंकि 4/5 जो है वो 1 से
छोटा है, 4/5 जो है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब 2 प्लस 2 एक्सटेंड ऑफ 1, 2 प्लस 4/5 ये जो नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, इसीलिए जो नंबर होगा 2 एक्सटेंड ऑफ 4/5 ये 2 और 3 के बीच में होगा। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस 0, इधर -1, -1, ये 1, 2 और 3। तो ये नंबर होगा 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसको 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले इसका डेनोमिनेटर देखते हैं, इसका डेनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसके ऊपर 2 एक्सटेंडेड 4/5 है, तो हम लोग का जो फोर्थ इस लाइन में जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ लाइन जो है वो हम लोग का वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है 2 एक्सटेंडेड 4/5 को, और ये नंबर जो होगा हम लोग का 2 एक्सटेंडेड 4/5 हो गया नंबर लाइन पे। अब कुछ नेगेटिव टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि ये तो रहा कि पॉजिटिव वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम लोग नंबर लाइन के राइट में और सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करना है नेगेटिव के लिए, बट नेगेटिव नंबर को हम लोग को 0 के लेफ्ट में कैलकुलेट करना है। फिर अनदर एक्सरसाइज जो है इसका, वो नंबर लाइन का रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। वो सब भी एक्सरसाइज जीवे में डील हो जाएगा और आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1C, एड द रेशनल नंबर, एड द रेशनल नंबर, एड द रेशनल नंबर्स। ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट बोल दीजिए, 3/4 एंड प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3/5 को हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग को पता है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रैक्शन का एडिशन होता है तो हम लोग को डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम लोग को पता है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20, 4 और 5 का जो एलसीएम होगा 20 होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम ले लेंगे 20। अब 4 के टेबल में 20 कितने बार में होगा, 5 बार में, तो जो 5 होगा 4 के टेबल में 20 5 बार में होगा, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 प्लस 5 के टेबल में 20 4 बार में होगा, तो 4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × -3। अब ये 3 × 5 = 15 और ये प्लस माइनस माइनस, 5 × 4 = 12/20, 15 में से 12 जाएगा 3, दिस इज 3/20 इज द राइट आंसर। तो ये एक्सरसाइज भी, ये बहुत इजी है, एडिटिव इनवर्स प्रीवियस हम बता चुके हैं कि दो नंबर का सम अगर 0 होता है तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, और बाकी सब वो एडिशन के थ्रू वेरीफाई करना है, वो सब बहुत इजी है और वो सब इजिली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि बुक आप लोग के सामने रख देते हैं, जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगा वो क्वेश्चन इजी वे में देख सकते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1B एंड फर्दर एक्सरसाइज 1C, दिस इज सो इजी एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू इजी फॉर यू, सो स्टडी वेल इन दिस लॉकडाउन एंड कंटिन्यू योर स्टडी। ओके, बाय।